दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सबके चेहरे खुश हैं, सबके चेहरे एक एक बंदा दो दो डिवाइस, दो दो बंदे, तीन तीन बंदे एक एक डिवाइस पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। यानी आज का हिंदुस्तान का सबसे हॉट प्रोग्राम जो है वो आज आपके सामने शुरू होने वाला है 2-4-5 मिनट के अंदर। तो मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूं। नंबर वन, आप सारे के सारे लोग अपनी पेन डायरी लेके बैठे हैं। नंबर दो, आप अगर अपनी वीडियो ओपन करके बैठ सकते हैं तो आज पूरे हिंदुस्तान में चमक सकते हैं। कई लोग अभी भी मेरे को बनियान में दिख रहे हैं, तो भाई साहब थोड़ा सा शर्ट वर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, क्योंकि आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। आप सारे के सारे लोग जो बनियान बनियान में घूम रहे हैं वो देख लो, और आप क्या है ना, पूरे हिंदुस्तान पे चमक रहे हो। आपकी बनियान का ब्रांड दुनिया में पता चल जाएगा कौन सी वाली बनियान आप पहनते हैं। तो आप सभी लोगों को अभी प्रॉपर वे में अपनी निगाहें गड़ा के, और आपको पूरी आज कोरोना काल में किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बूम कर सकते हो, किस तरीके से बढ़ा सकते हो, किस तरीके से हम लोग एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हिंदुस्तान में चमक सकते हैं। और आज नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह आज हमारी ट्रेनिंग लेने वाले हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में हमारी कंपनी सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। अगर टॉप की 3 कंपनियां निकालोगे पुरानी कंपनियों में से हिंदुस्तान में चलने वाली, तो उनमें से तीसरी कंपनी हमारी होगी। नंबर 1 एमवे, नंबर 2 हमसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ मोदी केयर, और नंबर 3 पे हम भाई साहब, चौथा कोई नहीं है। अब देख लो, अब गूगल कर लेना, चेक कर लेना। तो आज हम टॉप की कंपनियों में से हम बिलोंग करते हैं। अगर टर्नओवर के मामले में देखें तो मोदी केयर हमारे सामने कहीं नहीं टिकती, और एमवे जो है क्योंकि वो पूरे दुनिया में काम करती है इसलिए हम लोग टर्नओवर के मामले में नंबर 1 है साथियों। तो नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 लीडर, नंबर 1 अपलायन, और 1 करोड़ रुपए का चेक एक वीक का आप हिंदुस्तान में किसी का ढूंढ के बता देना, मैं आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं। लोग महीने का दिखाएंगे, लोग साल का दिखाएंगे, लेकिन 7 दिन की कमाई कोई भी आदमी 1 करोड़ 2 लाख रुपया नहीं दिखा सकता है। और इतने बड़े अचीवर आज हमारे बीच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आए हुए हैं। मैं चाहता हूं बहुत ज्यादा वक्त हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारा समय हम लोग खराब कर चुके हैं। तो हम लोग बुलाना चाहते हैं हमारे बीच में आज के, और हम सबके फ्यूचर में जितने भी लोग यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की तरफ देखते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उनकी टीम को बिलोंग करते हैं, और आज आप बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। तो वेलकम, एक बहुत जोरदार तालियों से, आप म्यूट हैं लेकिन फिर भी तालियां आपकी दिखाई देंगी, सुनाई नहीं देंगी लेकिन दिखाई देंगी। आप सारे लोग अपने हाथों को जोर दें, जोरदार तालियों से, मुस्कुराहट के साथ, बड़ा दिल करके, बड़ी आंखों से हम लोग इन्वाइट करते हैं एक बहुत जोरदार तालियों के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचने वाले, एक फौज से, फौज की नौकरी से स्टार्ट करने वाले और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचने वाले इकलौते शख्स जो कि हरियाणा की आन बान शान है। और हिंदुस्तान में मैं एक ही बात बोलता हूं कि हम लोग उनके घराने से हैं, हमको इसी बात से गर्व होता है। एक बहुत जोरदार तालियां, वेलकम मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, बहुत जोरदार तालियां सर के लिए। स्वागत है सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और मैं पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे के पूरे अल्टीमेट अचीवर्स को, और इस पैनल पे जितने भी लोग हैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, और जितने लोग मुझे अभी यूट्यूब लाइव भी हो चुका है, और यूट्यूब लाइव का जो लिंक है आपके रिस्पेक्टिव अपलाइन को भेज दिया गया है देवेंद्र जी, उसमें लीजेंड वाले ग्रुप पे भेज दिया गया है, मैं आगे भेज देता हूँ उसको, आप सारे लोग आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप जैसे अच्छे और दमदार लीडर्स के साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, कुछ लोगों के साथ में पैनल के माध्यम से और कुछ लोगों के साथ में यूट्यूब के माध्यम से। और अभी ये सेशन जो करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस सेशन के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आज की डेट में जो जमाना है, जमाने के साथ में हमको चलना पड़ेगा, और कोरोना काल ने हमारे को जमाने की कुछ बदलाव लेके आया है, ये कोरोना काल हमारे लिए कुछ बदलाव लेके आया है, और उस बदलाव के हिसाब से हम लोगों को चलना है। तो मैं चाहता हूं कि अभी मेरी स्लाइड शायद दिख रही होंगी, और मामूर जी दिख रही है, ओके ठीक है, मामूर जी दिख रही है, स्लाइड मेरी दिख ही रही है। तो मैं चाहता हूं कि अब हम बात करेंगे आज
कैसे इस पूरे सेशन के बारे में, और मैं करीब करीब एक घंटा के करीब बात करूंगा, तो एक घंटे में हम लोग डिस्कस करेंगे कई सारी नई चीजों के बारे में जो आजकल के माहौल और आजकल के जो समय चल रहा है उसके अनुसार जो करना चाहिए हम वो सारी चीजें करेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और फक्र महसूस करता हूं मैं इस बात पे कि मैं ग्रेट सेफ सॉप कंपनी के साथ में हूं, महान सेफ सॉप कंपनी में हम लोग हैं जिसमें मोस्ट एथिकल लोग हैं और 21 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हाईएस्ट टर्नओवर करने वाली कंपनी है और स्लाइड में सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है और हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी अगर कोई है इस पूरे इंडिया में तो उसका नाम है सेफ सॉप। मैं चाहता हूं दोस्तों सेफ सॉप के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां हम लोग बजाते हैं, वेलकम, बहुत जोरदार तालियां सेफ सॉप के लिए। और दूसरा दोस्तों मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे हमारे महान डायरेक्टर्स का, पांचों डायरेक्टर्स का जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, एक ऐसा सिस्टम लेके आए नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, ऑनलाइन बिजनेस का, और उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और हमारे डायरेक्टर्स के साथ साथ मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सिस्टम के निर्माता, सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम के निर्माता हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर राजीव चतुर्वेदी साहब और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय जैन सर और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर ओम प्रकाश जी, ये सारे लोगों का मैं चाहता हूं तहे दिल से स्वागत करना और चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों जरूर मैं ये बताना चाहता हूं कि एक खुशी की बात और बताना चाहता हूं और खुशी की बात यह है कि कल भी 1 बजे हम लोग सेशन शुरू करेंगे, पार्लेंट है वो पैनल पर रहेंगे, जूम पैनल पर रहेंगे और बाकी सारे यूट्यूब के माध्यम से कल हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट महागुरु जी मिस्टर संजय जैन सर को लाइव सुनेंगे, लाइव देखेंगे और ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन से कम नहीं है। मैं चाहता हूं कल के लिए भी एडवांस में हमारे जो सर हमको समय देने वाले हैं उनके लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, बहुत जोरदार तालियां आप सबके लिए, बहुत जोरदार तालियां। दोस्तों मैं जरूर इस अल्टीमेट अचीवर्स के ग्रुप के इस अल्टीमेट अचीवर्स जो टीम है, जो ग्रुप है, एक यूनाइटेड ग्रुप है, इसके जो कर्ता धर्ता हैं, मतलब सारे के सारे जो मेन लीडर्स हैं, लीजेंड्स हैं, उनका भी मैं जरूर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से आज हम सारे के सारे लोग रूबरू हो रहे हैं। और उसमें फर्स्ट नाम आता है हमारे ग्रेट लीजेंडरी लीडर मिस्टर सुनील लाल जी, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर जी, टिकेंद्र जी और मिस्टर योगेश जी, पवन जी, रामकिशन जी और नागल साहब, सारे के सारे लोगों के लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, सारे के सारे लोगों के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, क्योंकि आजकल लोग हंसना मुस्कुराना थोड़ा कम कर रहे हैं और खासकर जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है वो तो थोड़ा कम ही हंस रहे हैं, तो हम शुरुआत थोड़ी सी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ करना चाहते हैं और मुस्कुराहट ये है कि हमारे बिजनेस के लिए पोटेंशियल बहुत हो रहा है। इसके ऊपर आप देखो 4 पीछे और 3 आगे और भाई साहब 7 बच्चे बैठे हुए हैं और इससे पुलिस वाला पूछ रहा है कि भाभी जी को साथ नहीं लाए, बोला नहीं सर वो तो प्रेग्नेंट है। सही है, तो आप देखो हमारा भविष्य जो है बहुत ही गजब का है क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन किसी के लिए प्रॉब्लम होगी लेकिन हमारे लिए बहुत ही बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों आजकल मेडिटेशन करना और हंसना ये बहुत जरूरी हो गया है, तो हंसने की बात तो हमने करी ली है लेकिन मेडिटेशन भी करना जरूरी है क्योंकि इस बार आप देख रहे हो डोगी भाई साहब को, इसने गलती से ना पतंजलि का बिस्कुट खा लिया था, तब से उस दिन से पक्का योगा कर रहा है। तो दोस्तों अभी हमें जो बात करनी है, जो नेक्स्ट अगली बात जो करनी है हमको, वो बात ये करनी है कि सोच हमारी ब्रांडेड होनी चाहिए, कपड़े ब्रांडेड हो या ना हो लेकिन सोच हमारी ब्रांडेड होनी चाहिए और ये सेफ सॉप ने और हमारे सक्सेस फोर्स सिस्टम ने ये प्रूव करके दिखाया है। और समय समय पे जितने भी लीजेंडरी लोग हुए हैं, जो वर्ल्ड के लीजेंडरी लोग हैं, उन्होंने भी ये बात प्रूव करके दिखाई है। और इस बात को अगर देखा जाए तो हमारे सब लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर बिल गेट, उन्होंने बोला है कि आज आपने सपने औकात से बड़े रखो, कल तुम्हारी औकात सपनों से बड़ी हो जाएगी। और उन्होंने एक बात और बोली थी कई साल पहले, हम लोग आज से करीब करीब 10 साल 12 साल 15 साल पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग में जब काम करना शुरू किया, बल्कि 18 साल पहले मैंने जब काम करना शुरू किया, उस टाइम एक हम कोटेशन पढ़ते थे बिल गेट द्वारा बताया गया कोटेशन कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस।
तो उस टाइम पे सोचते भी थे और देखते भी थे, लेकिन हमको लगता था यार ऐसी क्या बात है जो इंटरनेट से ही बिजनेस होगा, दुकानदारी से भी बिजनेस तो होता ही है। लेकिन दोस्तों जो इस महान शख्स ने मिस्टर बिल गेट ने जो बोला था वो सचमुच में आज हो रहा है। अगर किसी का बिजनेस नहीं है इंटरनेट पे, इसका मतलब वो आउट ऑफ बिजनेस है। और मैं तो ये बोलूंगा कि अभी कोरोना काल में तो जो भी बिजनेस हो रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। तो दोस्तों ये जो इंटरनेट का महत्व तो आज से करीब करीब 20-25 साल पहले इस महान शख्सियत ने बताया था, लेकिन हमको समझ आते आते ये समझ आया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ सारे लोगों ने इसको फॉलो किया। लेकिन कोरोना काल ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि अगर आपको आने वाले समय में कोई बड़ा बिजनेस करना है तो आपका बिजनेस इंटरनेट पे होना चाहिए। और दोस्तों इस मामले में और कुछ बातें बोली हैं जो बिल गेट्स साहब ने बोली है। उन्होंने बोला कि इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। तो अगर हम गरीब पैदा होते थे हमारी मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर डाई मरते हैं गरीब तो हमारी मिस्टेक है। इसका मतलब हर एक आदमी को इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करके अमीर बनने का मौका है। और एक लीडर की बहुत ही बढ़िया पहचान और बताई है बिल गेट्स साहब ने, और वो पहचान है कि लीडर हमेशा दूसरों को इंपावर करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम एक दूसरे को इंपावर करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात मैंने देखी सीखी है जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं कि अमीरों को अमीर बनने के हजारों रास्ते हैं, किंतु गरीबों को अमीर बनाने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी सबसे बढ़िया जो रास्ता है वो है सेफ शॉप। तो चाहता हूं मैं सेफ शॉप के लिए एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, बहुत जोरदार तालियां सेफ शॉप के लिए। दोस्तों बिल गेट्स साहब ने एक बात और बढ़िया बताई कि एक इंसान दो चीजों से बनता है, एक इंसान दो चीजों से बनता है, अमीर अगर बनने की बात आती है तो दो चीजों से बनता है, एक तो किस्मत से और दूसरा मेहनत से। और वो बोलते हैं किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होता नहीं है, मतलब किस्मत होती नहीं है लेकिन मेहनत सब करते नहीं है। लेकिन इसके आगे एक कदम आगे बढ़ के अगर हम देखें कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो अपने आपके सपने को पूरा ना होने दे। अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर हम काम करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे हमारे हर एक सपने पूरे हो सकते हैं और हम किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। दोस्तों ये चीजें हमको लगातार किसी भी इंडस्ट्री में लीडर कैसे बनना है ये हमारे को समझना पड़ता है, समय समय पर देखना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है कि उसमें क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको समझना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और फिर से देखें क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और लगातार इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। और दोस्तों अभी जो हमारे साथ में जो जमाना आ गया है, पहले ऑफलाइन का जमाना था और अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन का जमाना आ गया है, सही है। और इसके बारे में छोटी सी एक कहावत बताना चाहूंगा कि एक बार एक बंदा गली में एक डायलॉग बोलता हुआ जा रहा था कि 100 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाओ, 100 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाओ। तो एक बंदे ने जिज्ञासावश बाहर जाके देखा और उससे पूछा, भाई क्या बात है, 100 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाओ वाला क्या ऑफर है आपके पास? तो उन्होंने एक ही बात बोली, बोला साहब मैं चटाई बेचता हूं और अगर आपने 100 रुपए में चटाई ले ली तो जिंदगी भर बैठ के उसके ऊपर आप खा सकते हैं। तो अब ऑफलाइन से ऑनलाइन के जमाने में अगर हम नहीं आए तो आप देखो ट्रेडिशनल जो सेल्समैन था, आमने सामने मिलके काम करने वाला जो सेल्समैन था वो आउटडेटेड हो गया है, वो परेशान है। अगर उसने नया अगर सामने आमने सामने का जमाना कभी कभी होगा ना पुराना ये सोच के रखा था, लेकिन ये तो बहन था। इसके लिए छोटा सा गाना भी बना हुआ है कि गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, तेरा तो रंग गोरा है। लेकिन यहाँ पे भी कई लोगों को भरम था कि आमने सामने का जमाना कभी होगा ना पुराना, ये तो तेरा वहम है, सही है। लेकिन ये वहम हो गया है आज की डेट में। और अभी आज की डेट में अगर हमको बड़ा बिजनेस करना है, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमको बदलना पड़ेगा। वक्त बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों अभी लोगों को लग रहा है कि साहब अभी लॉकडाउन लग गया है, कैसे काम करेंगे, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं इसके प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि कैसे लोग लॉकडाउन के दौरान भी मतलब ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, प्लान दिखा दिखा के, व्हाट्सएप के माध्यम से
लोगों से संपर्क करके और कैसे फोन पे कॉल करके उनको जूम पे इनवाइट करके प्लान दिखा के क्लोजिंग करके कैसे कैसे लोग अपना वक्त बदल रहे हैं, कैसे कैसे अपना काम कर रहे हैं, कैसे कैसे अपने चेक बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा कुछ उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई एक आदमी कर सकता है तो हजारों लोग और भी कर सकते हैं, लाखों लोग और भी कर सकते हैं। और दोस्तों कोरोना काल का तोहफा हमें मिला है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आप किसी के सामने नहीं है, कस्टमर आपके सामने नहीं है, आप कस्टमर के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उनको आप टीम बिल्डअप कर रहे हैं अपनी। और ये मौका हमारे को दिया है, किसी ने और किसी ने दिया, एक कोरोना काल ने दिया है। ये डिजिटल जो दुनिया है इसके बारे में कुछ तथ्य हैं। वो तथ्य ये है कि 137 करोड़ लोग हैं इंडिया में, 7 करोड़ लोग फिजिकल दुनिया में रहते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है डिजिटल लाइफ से, 30 करोड़ विचारों में रहते हैं, अपने विचारों में खोए रहते हैं, और 100 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डिजिटल दुनिया में रहते हैं, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास लैपटॉप है, और वो इसमें 100 करोड़ लोग आज की डेट में दुनिया में इंडिया में करीब करीब डिजिटल दुनिया में रहते हैं। और दोस्तों इनके लिए बोला जाता है पकड़ो इनको, पकड़ो नहीं तो कोई दूसरा पकड़ लेगा। जो डिजिटल दुनिया में रहते हैं उनको या तो हम पकड़ ले, या तो हम जूम पे लाके उनको प्लान दिखाए, नहीं तो कोई दूसरा दिखाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया बात ये हुई है कोरोना के बाद, एवरीथिंग इज सेम, सारी चीजें सेम है। कोरोना के बाद अगर हमारे को एट स्टेप करना है तो काफी चीजें सेम है, सही है। हमको पहले भी प्लान दिखानी पड़ती थी, अभी भी प्लान दिखानी है, पहले भी फॉलोअप करना पड़ता था, अभी भी फॉलोअप करना है, पहले भी हमको FIM करनी पड़ती थी, अभी भी FIM करनी है, पहले भी हमको कोर बनाना पड़ता था, अभी भी कोर बनाना है। बट अभी क्या चेंजिंग क्या आएगी, पहले हम फिजिकल करते थे, अभी डिजिटल करेंगे, पहले फिजिकल था अभी डिजिटल हो गया हमारा। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड एवरी प्रॉब्लम और ऑब्लिक टफ टाइम। बोला जाता है कि कोई भी टफ टाइम हो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, उसमें कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी अभी होगी है। नाउ वी आर सेविंग टाइम एंड मनी। हमारे को पहले आने जाने का समय लगता था और पेट्रोल वगैरह का खर्चा या गाड़ी में किराया, उसमें टैक्सी में किसी में भी जाते थे तो किराया लगता था, अभी हमारा किराया और समय आने जाने का बच गया है। ये इस प्रॉब्लम का बेनिफिट है कि हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे, इस प्रॉब्लम का बेनिफिट हमको मिल गया। कैन यूज सोशल मीडिया फॉर लिस्ट, हमको हमारे को अगर लिस्ट बनानी है तो हम सोशल मीडिया यूज करके, या अपनी टीम की लिस्ट बनवानी है तो उसको जूम पे लेके, उसको व्हाट्सएप पे लेके या फोन कॉल पे लेके हम उसकी लिस्ट भी बनवा सकते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन इस मल्टी सोशल मीडिया पे ज्यादा देर तक रहता है वो तो अच्छा नहीं है, वो बैड है, लेकिन अगर उसको बिजनेस के लिए यूज किया जाए, सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए यूज किया जाए, लिस्ट बनाने के लिए यूज किया जाए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया जाए, लोगों को कोर बनाने के लिए यूज किया जाए, तो सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान हो सकता है। वी कैन यूज आवर अपलाइन इन एवरी एक्टिविटी। हम अभी अगर हमारा अपलाइन कहीं पे बैठा है, कलकत्ता में भी बैठा है, तो हम हरियाणा में बैठ के या दिल्ली में बैठ के हम अपने अपलाइन की थर्ड पार्टी करा सकते हैं, प्लान में भी थर्ड पार्टी करा सकते हैं, हम अपनी कोई मीटिंग कर रहे हैं मीटिंग में भी कर सकते हैं, हम थर्ड पार्टी करा सकते हैं। जो अपलाइन को बुलाने के लिए, टाइम लेने के लिए काफी सारा मशक्कत करनी पड़ती थी और काफी सारा खर्चा होता था, और पहले अपलाइन भी कुछ जाता था तो होटल का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, काफी सारे खर्चे उनको भी करने पड़ते थे, तो ये सारे के सारे खर्चे बच गए और कहीं पे भी हमारी थर्ड पार्टी, आप अपने अपलाइन की थर्ड पार्टी ले सकते हैं। अभी जैसे जैन साहब कल आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो जैन साहब हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं तो उनको बस वहां पे यहाँ पे ऑनलाइन पे जूम पे आएंगे और हमारे को पूरा अपना आशीर्वाद देंगे, अपनी गाइडलाइन देंगे, और जिनकी वजह से आज जो कुछ भी है हम लोग उन्हीं की वजह से है, और उनका आशीर्वाद कल हमारे को और भी मिलने वाला है। यूज द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में सारे लोग लॉकडाउन लगा हुआ, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में सारे लोग अपने घर पे हैं। जब सारे लोग घर पे हैं तो मुझे लगता है कि वो भी घर पे हैं, आप भी घर पे हैं, तो उनको जूम पे लेके लोगों को प्लान दिखाना, उनका फॉलोअप करना, उनको कोर बनाना बहुत आसानी से किया जा सकता है। और आप भी स्टूडेंट भी फ्री है, जॉब सीकर भी फ्री है, जॉब जिनकी खूबी है वो भी फ्री है, जो जिनको जॉब नहीं मिली थी वो भी फ्री है, हाउसवाइफ है, और वर्क फ्रॉम होम वाले लोग भी घर पे ही हैं। दोस्तों किसी के लिए कोरोना का एक लॉकडाउन
हो सकता है अभिशाप बना हो, लेकिन इसमें भी अगर हम कुछ चीज ढूंढेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अभी भी ये वरदान ही है और इससे काफी सारी चीजें हमारे को मिल रही हैं। दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन है इसको यूज करने के लिए। अगर हमारे को, अगर हमने इस कोरोना काल में ऑनलाइन को यूज करना है और हमने लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्लान दिखाकर रिजल्ट निकालना है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंक्रीज लैपटॉप यूजर, हमारे को हमारी टीम में लैपटॉप यूजर बढ़ाने पड़ेंगे और लैपटॉप यूजर बढ़ाने के लिए लैपटॉप बहुत सारे लोगों के पास है या मोबाइल के थ्रू मोबाइल है, और अभी कंपनी ने, हमारी कंपनी ने लैपटॉप जीतने का और मौका भी दे दिया है। अगर आपकी टीम में आप बहुत सारे लैपटॉप जीतवाते हो तो आपकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। अवेयरनेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया, आपने कैसे जूम को ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे अपने आप को अपना वीडियो ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, ये छोटी छोटी चीजें आप अपने टीम को सिखा सकते हैं। ऑफिस सेटअप एक बना लें हम अपने, जहां पे भी घर में, एक घर के किसी कोने में या किसी एक अलग से रूम में हम अपना ऑफिस सेटअप बना लें और ऐसे ही लोगों को भी बनाना सिखा दें। एंगेज लीडर विद टारगेट, अभी कंपनी ने टारगेट दे दिया है तो लीडर्स को हम टारगेट में एंगेज कर सकते हैं और कैसे टारगेट जीता जाए उनकी जूम के माध्यम से प्लानिंग बनवा के और दे प्लान करके उनका हम टारगेट भी जितवा सकते हैं। दोस्तों गुड नेटवर्क फॉर फोन एंड इंटरनेट, मतलब एक चीज और हम कर सकते हैं कि हमारे को जो बेस्ट नेटवर्क है हमारे एरिया में वो अपने फोन के लिए इंटरनेट के लिए एक बार सेट कर लें, क्योंकि पहले काफी सारा खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, किराया भाड़े का खर्चा और बाहर होटल का खर्चा होता था, उस खर्चे में से थोड़ा सा खर्चा हम इंटरनेट का एक बढ़िया सा पैकेज लेने में यूज कर लें। अगर हमने ऐसा किया तो हम यहां से क्या क्या फायदा ले सकते हैं इसका जान के आपको बड़ा ताज्जुब होगा और आप बड़े खुश होंगे। मुझे कल हमारे एक लीडर से मुलाकात हुई और जिनका नाम मिस्टर क्राउन लीडर मिस्टर के सोमा शंकर जी, तो कल के सोमा शंकर जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि सर ऑनलाइन के थ्रू मैम ने एक बंदे को ज्वाइन कराया और ऑनलाइन के थ्रू उस बंदे को ज्वाइन करा के और वो बंदा भी डायमंड है, डायमंड मतलब उसने ऑनलाइन के थ्रू ज्वाइन किया और ज्वाइन करके पिछले कुछ महीनों में वो बंदा डायमंड बन गया है। तो ऑनलाइन में के माध्यम से भी काम होता है, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ है कि एक बंदा ऑनलाइन के थ्रू ज्वाइन करके और आज की डेट में हमारे सक्सेसफुल सिस्टम में वो डायमंड है। और इसको सीख सकता, कोई भी सीख सकता है, जैसे बच्चा पहले पलटना सीखता है, लेटा होता है तो पलटना सीख लेता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल सरकना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, और हर स्टेप महत्वपूर्ण है और हर स्टेप में समय लगता है, इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखें। आप भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज की डेट में ऑनलाइन में घर से वर्क फ्रॉम होम करके नेटवर्क मार्केटिंग में, सेफ शॉप में, आज हमारे साथ में ट्रिपलेस में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फ्रेशर लोग अपना बढ़िया बढ़िया चेक भी बना रहे हैं। जैसे एक लेडी है, ये फ्रेशर, इन्होंने ज्वाइन किया और 29 मतलब लॉकडाउन लगने के बावजूद भी 29 अप्रैल को इन्होंने 28,235 का चेक बनाया वर्क फ्रॉम होम करके, ऑनलाइन पे काम करके। दोस्तों इसका मतलब अगर कोई एक महिला या कोई एक एसोसिएट हमारा यहां से अगर कर सकता है काम करके, अगर वर्क फ्रॉम होम करके अगर अपना चेक बना सकता है, तो इसका मतलब चेक तो भाई साहब दूसरे सारे लोग, हम लोग बना सकते हैं। और मैं चाहता हूं कुछ लोगों के बारे में आपको और भी बताना कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन पे काम किया, ऑनलाइन पे काम किया और ऑनलाइन काम करके अभी ज्वाइनिंग लिया है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग लिया है। मैं चाहता हूं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना कि ऑनलाइन काम करके कैसे कैसे आदमी आगे बढ़ सकता है। तो आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा एक टाइगर है रमेश चौधरी, इन्होंने नागपुर से ऑनलाइन में प्लान देखा, जूम पे प्लान देखा, जूम में प्लान देख के ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आज ये इसमें लगातार काम कर रहा है और गोल्ड लेवल भी अचीव कर रहा है, अचीव हो चुका है इसका। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाए, ऑनलाइन में डायमंड भी बन रहे हैं, चेक भी बना रहे हैं और साथ साथ में लोग अपने लेवल भी अचीव कर रहे हैं। ये लीडर नेक्स्ट प्लेटिनम लेवल अचीव कर रहा है, यू हैव अचीव्ड द नेक्स्ट लेवल प्लेटिनम। इस लीडर ने भी, इस टाइगर ने भी, उत्तराखंड से है, इन्होंने ऑनलाइन पे प्लान देखी जूम के माध्यम से
और प्लान देख के, ऑनलाइन पे प्लान देख के इन्होंने ज्वाइन किया और अभी प्लेटिनम लेवल पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे अच्छी बढ़िया टीम भी बना रही है। एक और ये टाइगर है जिन्होंने, श्री राम चौधरी जी सीकर से, इन्होंने ऑनलाइन पे प्लान देखा और ऑनलाइन पे प्लान देख के और लगातार इस बिजनेस में ज्वाइन किया और अभी प्लेटिनम लेवल पे पहुंच गए हैं। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये मंजेश बघेल जी, ये एमपी से है और इन्होंने भी ऑनलाइन पे प्लान देखा और अभी गोल्ड लेवल पे पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी गोल्ड बनने वाले हैं। इन्होंने भी, ये बीकानेर से मिस्टर अजीत जी, इन्होंने भी सिल्वर लेवल अचीव कर लिया है, ऑनलाइन पे प्लान देख के ज्वाइन किया। और बहुत सारे, ज्योति अग्रवाल जी इन्होंने कोटद्वार से हैं, इन्होंने अभी प्लान देखा और अभी यहाँ पे सिल्वर बनने वाली है, सही है। और इन्होंने भी, शिवम दुबे जी, इन्होंने प्लान देखा ऑनलाइन पे, ये ड्यूटी पे नेवी में है और इन्होंने भी, ये भी सिल्वर बनने वाले हैं। दोस्तों ऑनलाइन पे प्लान देख देख के लोग, या जूम पे प्लान देख के, ऑनलाइन के माध्यम से प्लान देख के, ये अर्जुन जांगरा जी हैं, इन्होंने भी प्लान देखा और सिल्वर लेवल पे तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब जब इतने सारे लोग प्लान देख के सिल्वर लेवल पे पहुंच रहे हैं, गोल्ड लेवल पे पहुंच रहे हैं, डायमंड लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब भाई साहब बिजनेस तो हमारा आपका सबका हो सकता है। और आप और भी देखिए, अभी इसमें फॉर एग्जाम्पल ये एक और नेक्स्ट लीडर है हरिओम बघेल जी, जिन्होंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया और आज सिल्वर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। और एक और मिस्टर प्रमोद चौहान जी, जिन्होंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया और आज ब्रॉन्ज लेवल पे हैं। तो ऑनलाइन पे ज्वाइन करके, ऐसा नहीं केवल उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके कोई ब्रॉन्ज बन रहा है, कोई सिल्वर बन रहा है और नेक्स्ट रिकॉग्निशन को भी ले रहे हैं वो लोग। और ये मिस्टर भूपेंद्र सिंह जी सीकर से, ये भी ब्रॉन्ज लेवल इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और मिस्टर बलतार सिंह, इन्होंने भी ज्वाइन किया एमपी से और आज ये भी लगातार तीन बार ऑन ड्यूटी सीआरपीएफ है और 6 बार हीरो ऑफ द डे बन चुके हैं। और इन्होंने, नेक्स्ट लीडर है मिस्टर रजनीश नट, इन्होंने भी इस टारगेट को जीता, सॉरी इसमें ऑनलाइन पे प्लान देखा और आज इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और अभी ब्रॉन्ज हो चुके हैं। एक और लीडर देखा जाए तो ये मिस्टर पानीग्राही जी, इन्होंने ब्रॉन्ज लेवल तक पहुंच चुके हैं और बिजनेस को ऑनलाइन ज्वाइन किया और ऑनलाइन पे अभी काम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का अभी जो जमाना है, ऑनलाइन का जो क्रक्स है, इसका मतलब इतने सारे एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल एक नहीं है, हजारों में है, लेकिन मैं आपको 10-20 लोगों का, 20-30 लोगों के बारे में चर्चा करूंगा। एक और मिस्टर मक्खन कुशवाहा जी, इन्होंने भी एमपी से ज्वाइन किया और ये ब्रॉन्ज लेवल पे पहुंच गए हैं। और ये सागर तनवर सिंह तनवर जी, तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज लेवल पे पहुंच चुके हैं और ऑनलाइन में ज्वाइन किया। अनिल राठौर जी एमपी से, ये भी ब्रॉन्ज बन चुके हैं, इन्होंने भी ऑनलाइन पे ज्वाइन किया। और मिस्टर बी एस रावत जी, इन्होंने भी ब्रॉन्ज बन चुके हैं और इन्होंने भी ज्वाइन किया ऑनलाइन पे। और सुरेंद्र चौधरी जी, इन्होंने भी इसमें ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आज ये भी नया लेवल ब्रॉन्ज इन्होंने अचीव कर लिया है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, ये प्रदीप चौधरी जी अलवर से, इन्होंने ऑनलाइन पे ज्वाइन किया और आज ब्रॉन्ज लेवल अचीव कर चुके हैं। और ये एक और बजरंग चौधरी जी, इन्होंने भी ज्वाइन किया और ये भी अपने नेक्स्ट ब्रॉन्ज लेवल पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो ब्रॉन्ज लेवल पे, कोई सिल्वर लेवल पे, कोई गोल्ड लेवल पे, कोई डायमंड लेवल पे, ऑनलाइन पे प्लान देख के ज्वाइन करके और इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब काम तो हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब हमारी जो कोल्ड लिस्ट है, ओल्ड है या वार्म है या हॉट लिस्ट है, तीनों लिस्टों पे यहाँ पे ऑनलाइन में काम किया जा सकता है। और लेकिन फर्स्ट हमारी हॉट लिस्ट से शुरुआत करें, वार्म लिस्ट से शुरुआत करें और उसके बाद कोल्ड लिस्ट पे भी चले जाएं। दोस्तों ये सर्वेश बघेल जी एमपी से, इन्होंने भी ज्वाइन किया और आज ब्रॉन्ज लेवल पे हैं। और आप देखें ये एक और टाइगर जिस्टर नमन तिवारी जी, इन्होंने भी ज्वाइन किया, ये एमपी से है और आज ये भी मतलब ब्रॉन्ज लेवल पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया अलग अलग जगह से, इन्होंने भी ये सिल्वर लेवल पे पहुंच चुके। अमरनाथ घोष जी सीआरपीएफ में थे और इन्होंने ऑनलाइन प्लान देखा, ज्वाइन किया। और इनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, ये एक और बबर शेर है जिन्होंने डिफेंस से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ऑनलाइन पे प्लान देखा, ज्वाइन किया और आज लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और ये इन्होंने ऑनलाइन पे प्लान देख के ज्वाइन कर लिया और इन्होंने भी ऑनलाइन पे प्लान देख के ज्वाइन किया। इतने सारे लोग हैं जिनका मतलब आप देखेंगे तो इतने, इन्होंने भी ऑनलाइन पे प्लान देख के ज्वाइन किया। और ये एक और बब्बर शेर, इन्होंने भी ऑनलाइन देख के प्लान ज्वाइन किया और ये ऑनलाइन पे अपने डॉक्यूमेंट भेजे, वो भी सारा इसमें लगा रखा है। और इन्होंने भी ऑर्डर किया अपना, ऑनलाइन पे प्लान देख के ज्वाइन किया। और ऐसे करके, और ऐसा नहीं है फुल पैकेज से ज्वाइन कर रहे हैं,
सही है, फुल पैकेज से ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन पे। और आप देखो ये एक महिला, इन्होंने भी ऑनलाइन पे ज्वाइन किया, प्लान देखा, ज्वाइन किया और काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आप देखो जो SW5 रूल जो पहले काम करता था यहाँ पे ऑनलाइन पे भी काम करेगा। SW5 रूल क्या है ये सब हमको मालूम है, प्रगति सूत्र में भी लिखा हुआ है कि सम विल कम सम विल नॉट कम सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर अस सो स्टार्ट वर्किंग। कोई ना कोई तो हमारे लिए वेट कर रहा है, बस प्लान दिखाने की जरूरत है। देखो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जब आप अपना जब आप लोगों से संपर्क करते हैं या आप अपना जो कोई भी ऑनलाइन के माध्यम से अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, तो आप देखो यहाँ पे एक लीडर है हमारा, उनका उनको मैसेज आया कि गुड इवनिंग मुझे सेफ शॉप का प्लान चाहिए। उसने पूछा कौन हो, बोला हम कोलकाता से हैं, तो आपका नाम क्या है, उन्होंने अपना नाम बताया, तो उन्होंने बताया धर्मेंद्र शर्मा, तो आप मुझे कैसे जानते हैं, बोला सर आपका वीडियो देखा था। सही है, और बस उसको बात हुई और उन्होंने बोला ठीक है सर, जूम पे प्लान दिखाया और अपना उनके साथ में ले लिया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन रहे हैं कि ऑनलाइन पे संपर्क करके, वैसे तो आजकल ऑनलाइन पे संपर्क करके शादियां तक हो रही है, सही है, ये ज्वाइनिंग तो बहुत छोटी बात है, नॉर्मल बात है, तो ऑनलाइन पे जब शादियां हो सकती हैं, सारे लोगों को मालूम है कि विवाह.com और marriage.com और कई सारी .com है जिनके माध्यम से लोगों की शादी ब्याह हो रहे हैं ऑनलाइन से, तो ये वाले काम तो आराम से, हमारा बिजनेस बिल्डिंग वाला काम तो आराम से हो सकता है। दोस्तों जूम से अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो जूम मीटिंग मिस ना करें, इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें। और जूम पे काम कर करके, जूम पे काम कर करके मतलब गांव में घर में रह के और ऑफलाइन में मतलब लोगों को दूर से प्लान दिखा दिखा के, कोई आदमी 4230 का चेक बना रहा है, अभी 6 मई का ही चेक है, सही है, अगर वो प्लान नहीं दिखाते तो मुझे नहीं लग रहा कि वो ऑनलाइन पे काम नहीं करते, तो वैसे तो लॉकडाउन लगा हुआ है, सही है, ऊपर से बंगाल में चुनाव भी थे तो चुनाव का भी प्रॉब्लम थी और साथ साथ में लॉकडाउन की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन जिसको काम करना होता है वो काम करने के तरीके निकाल लेता है, जिसको नहीं करना होता है वो नहीं करने के तरीके निकाल लेता है, क्योंकि बोला यार अभी तो लॉकडाउन हो गया, अभी तो रेस्ट करने का टाइम मिल गया। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हमारे को ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए जो टूल चाहिए वो सारा का सारा सेटिंग बैठाना पड़ेगा। हमको ऑनलाइन के लिए अपना फोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सही है, और ऑनलाइन के अपने जो व्हाट्सएप है और हमारा उसका हमारे पास होना चाहिए, उसको डाउनलोड करना चाहिए। और व्हाट्सएप के थ्रू कैसे बड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है या अपने नए नए लोगों के थ्रू कैसे लिस्ट बनाई जा सकती है, इसके बारे में बहुत जल्दी नागल साहब हम सबको, क्योंकि इसके लिए अलग से हमारे को जाके फेसबुक में घुसने की जरूरत नहीं है, उसमें अलग से कहीं जाने घुसने की जरूरत नहीं है, आपकी जो टीम है उसी की ऑनलाइन पे आप लिस्ट बनवाएं, उसी की आप लिस्ट बनवा के उनको इन्विटेशन करें और उसी को इन्विटेशन करके उनको प्लान दिखा के उनके जो लिस्ट को आप सर्फिंग करें, सही है। और इसके लिए आपको अपना टास्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि इतने से इतने बजे तक मैं प्लान दिखाऊंगा, इतने से इतने बजे तक मैं कोर बनाऊंगा, इतने से इतने बजे तक मैं ये करूंगा। तो जो भी है मुझे ऐसे लगता है कि अभी पहले अगर आप केवल अगर आपका जो वर्किंग आवर्स होता था वो बहुत कम रहता होगा, मुझे ऐसे लग रहा है वर्किंग आवर्स होता था क्योंकि आने जाने का समय काफी लग जाता था, लेकिन आजकल आपके जो वर्किंग आवर्स हैं या प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो कम पहले से ज्यादा हो सकते हैं। पहले अगर आपके प्रोडक्टिव आवर्स 4 घंटे होते थे तो अभी आपके घर पर रह के आने जाने का समय आपका बच रहा है तो प्रोडक्टिव आवर्स आपके 10 घंटे हो सकते हैं, 12 घंटे हो सकते हैं, 16 घंटे हो सकते हैं। तो और नेटवर्क मार्केटिंग के 5 बेसिक स्टेप रहते हैं, हमको सबको मालूम है वो क्या क्या है, कि पैसा चक्कर घुमाना है अगर पैसा कमाओ, अपने ग्रुप को भी चक्कर घुमाना सिखाओ, चक्कर घुमाओ पैसा कमाओ, अपने ग्रुप को भी चक्कर घुमाना सिखाओ। और ये चक्कर हमको घुमाना पड़ता है, ये चक्कर घुमाना क्या है कि हमारे को नामों की लिस्ट बनानी है और बनवानी है, फिर उनसे संपर्क करना है, उनको इनवाइट करना है, फिर बिजनेस प्लान दिखानी है, फॉलोअप करना है और बिजनेस की शुरुआत करनी है, सही है, ये चक्कर हमको घुमाना है, चक्कर घुमाओ पैसा कमाओ, अपने ग्रुप को भी चक्कर घुमाना सिखाओ, ये 5 चीजें हम लोग कर करके। और ये अभी हमको करनी तो थी, पहले हम क्या करते थे, सारी चीजें हम फिजिकल करने की कोशिश करते थे, अब हमने वो कैसे करनी है, अभी हमने करनी है ऑनलाइन करनी है या घर पर रह के करनी है, हमने व्हाट्सएप से संपर्क करना है, हमने फोन से संपर्क करना है, हमने जूम से संपर्क करना है, बस इतना ही करना है। मैं एडवांस ऑनलाइन
बिजनेस बिल्डिंग के तरीकों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। एडवांस के बारे में कभी बाद में कभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना करें कि हमारी टीम की जो काम हम फिजिकल करते थे, जैसे लिस्ट बनाना, तो लिस्ट पहले सामने सामने बैठ के बनवाते थे, अभी आप जूम में सामने बैठा लो। पहले इनवाइट करना था तो पहले आप मतलब फिजिकली इनवाइट करते थे, अभी क्या करना, फोन पे या कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके इनवाइट कर लो। पहले हम प्लान दिखाते थे तो फिजिकली हम वेन्यू पे आमने सामने प्लान दिखाते थे, अभी क्या करना, अभी हमने प्लान दिखानी है, जूम पे दिखानी है। पहले सामने सामने फॉलोअप करते थे, अभी हमने फॉलोअप करना है, जूम पे करना है। पहले हम कोई आदमी अगर प्रोडक्ट ले लेता था तो उसकी FIM वगैरह करते थे, बिजनेस स्टार्ट करते थे, शुरुआत कराते थे, तो अभी आपने FIM जो है ऑनलाइन पे कर लेनी है। दोस्तों ये सारे कुछ काम है छोटे छोटे, और प्रोस्पेक्टिंग, सोशल मीडिया, हमारे को सोशल मीडिया के थ्रू भी लिस्ट लीड्स मिलती है, लेकिन अभी फिलहाल हमको केवल और केवल अपनी जो प्रोस्पेक्टिंग है या प्रोस्पेक्टिंग जो करनी है अपने नए नए लोगों के माध्यम से करनी है, नए नए लोगों की लिस्ट बनवानी है, उनकी लीड, उन्हीं की लीड के माध्यम से प्रोस्पेक्ट ढूंढने हैं और उन्हीं में से हम लोगों ने प्लान दिखा के उनको कस्टमर बनाना है। दोस्तों इन्विटेशन करना है तो इन्विटेशन पहले देखो, लिस्ट तो ऑनलाइन पे बन जाएगी बैठ के, और लिस्ट बनाने के लिए हमने हमेशा टूल्स का उपयोग करना है, शुभारंभ लेके या लिस्ट बुक लेके उसमें हमने लिस्ट बनवानी है, और लिस्ट बनवाने के बाद नए एसोसिएट की भी लिस्ट बनवानी है आमने सामने जूम पे बैठा के, और लोगों को उनका इन्विटेशन भी करने में मदद करनी है। आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लें दोनों, पहले आप अपने डाउनलाइन को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लें और उनको बोलो आप लगाओ अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, और बोला आप इंट्रोड्यूस कर देना कि मेरे साथ में हमारे सीनियर हैं और वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, सही है, या वो कुछ आपको बताएंगे और इनकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बढ़िया परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे करके आप इन्विटेशन पहले अपनी टीम की एसोसिएट की लिस्ट बनवाएं, जूम पे बनवाएं, उनका इन्विटेशन करवाएं। इन्विटेशन उनको नहीं करना आता तो आप इन्विटेशन भी करवाएं, उनकी जूम पे प्लान और क्लोजिंग करें, जूम पे प्लान और क्लोजिंग करवा दें, और जूम पे फॉलोअप करें और FIM करें। ये सारे के सारे काम जूम के ऊपर हो सकते हैं, और अगर जूम पे हो सकते हैं तो दोस्तों थैला उठा के जाए बगैर काम नहीं होगा, ऐसी मानसिकता को हमारे को निकालना पड़ेगा। थैला उठा के जाने का कभी मौका मिलेगा हम जरूर जाएंगे, लेकिन इस कोरोना काल के टाइम पे हमको अगर ऑनलाइन पे काम करना आ गया तो मुझे लग रहा कि हमारा काम भी कई गुना बढ़ेगा, और हमारी जो आने जाने की जो खर्चा पानी होता था या फिर आने जाने की जो मेहनत लगती थी वो भी कम रहेगी, स्ट्रेस भी कम रहेगा। दोस्तों जूम पे प्लान एक आदमी को भी कर सकते हैं, हजार आदमी को भी कर सकते हैं, तो जूम पे प्लान करने का अपना अलग एक अंदाज है, और जूम पे प्लान कर करके कितने सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, डायमंड तक पहुंच गए हैं, तो ये बिलीव कर लें कि आप भी डायमंड बन जाएंगे और आपकी टीम में भी बहुत सारे डायमंड आ जाएंगे। जूम प्लान में दम है, और जूम के माध्यम से फॉलोअप करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं जूम के माध्यम से भी, और FIM कर सकते हैं जूम के माध्यम से। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने इस माध्यम का फायदा उठाया है और उनको फायदा मिला भी है। दोस्तों ये एक और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि काउंसलिंग करनी है तो पहले काउंसलिंग करने के लिए अपलाइन के पास जाना पड़ता था, अभी काउंसलिंग करनी है तो भी आप जूम पे समय लेके कर सकते हैं, अपनी टीम की भी, अपनी भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग दिला सकते हैं, कोर बना सकते हैं, LDP कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स लाइक व्हाट्सएप और जूम मीटिंग का हमने अपना बंदोबस्त रखना है, ये थोड़ा सा बंदोबस्त रखना है, और ये मुझे लग रहा है सारे लोगों के पास में है। तो यहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं बता रहा मैं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। प्रोवाइड वैल्यू देन पिच, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करिए, जो नए नए जो प्रोस्पेक्ट आते हैं उनको आप अच्छे से अपना प्रोडक्ट के बारे में बताइए, आप उनको क्या, उनको जिंदगी में उससे फायदा हो सकता है, चाहे हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, चाहे हमारे किसी भी हमारे सक्सेसफुल सिस्टम के माध्यम से, चाहे हमारी टीम वर्क के माध्यम से कैसे उनकी जिंदगी बदल सकती है, ये आप उनको एहसास कराइए और उनको साथ में ले सकते हैं। दोस्तों वेबिनार बहुत सारे बीच में अपलाइन के माध्यम से होते रहते हैं, जो भी वेबिनार हो उसको आपने हमेशा अटेंड करना है, अपलाइन के द्वारा रिकमेंडेड सारे वेबिनार्स को आप अटेंड करें, और बिल्ड ए सोशल सेलिंग स्ट्रेटेजी बाय व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप से भी आपके बहुत सारे मोबाइल में नंबर है तो व्हाट्सएप से भी आप किसी को, मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई छोटा मोटा, कोई मतलब मान लो फोटो है, कोई छोटा सा वीडियो है, कोई छोटी सी PPT है,
वो बेच के लोगों की क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं, और आपके जो इतने भी जानकारी के लोग हैं उनमें से कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे और उसमें से कुछ लोग पूछेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ सोशल मीडिया डज नॉट मैटर द फॉलोअर काउंट, इसमें हमको ये सब करने की सोचने की जरूरत नहीं है कि उसमें से कितने लोग आ रहे हैं, तो क्योंकि कन्वर्जन थोड़ा सा कम रहता है। कन्वर्ट फ्रेंड इनटू कस्टमर ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर, हम अपने फ्रेंड हैं उनको कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर जरूर बनाए। लिमिटेड सीट है जूम पे, जब भी जूम के लिए वेबिनार के लिए कॉल करें तो उनको इस चीज का इंपॉर्टेंस बताएं कि लिमिटेड सीट है, अगर आप पक्का कंफर्म कर रहे हैं तो मैं आपको कॉल कर रहा हूं। दोस्तों दूसरा प्रोस्पेक्टिंग का जो सिस्टम है, वो वाया कॉल, ज्यादा कॉल से करें, जस्ट ब्रिंग हिम टू प्लान जूम मीटिंग वेबिनार, और ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग कर करके, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस पर लेके आना है वेबिनार पे, ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग में लेके आना है, और उसके लिए उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, लिमिटेड ऑप्शन है ये बताना है हमारे को, और पोलाइट और सीधी सीधी पादरी हमको बात करनी है उनसे। दोस्तों ऐसा करके ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, नेवर गेट टू सीरियस, ऑलवेज टेक पिंच ऑफ ह्यूमर, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हमको हमेशा थोड़ा सा खुशी का माहौल हमेशा बनाकर रखना होता है। और ऑनलाइन जो सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे मान लो आपसे कोई संपर्क कर रहा है, आप उसका भी नंबर लेके आप उनको, वैसे तो हम लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू, और व्हाट्सएप के थ्रू ही हमारा कनेक्शन रहता है ज्यादा से ज्यादा, तो उसके थ्रू जो भी संपर्क कर रहा है या कोई और कॉल आ रही है आपके पास कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आप ये ले लो, तो आप उनका नंबर लेके उनको भी आप ऑनलाइन पे लाके जूम पे प्लान बढ़िया दे सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछें, डाटा कलेक्ट कर लें, यूज डाटा टू इफेक्टिवली पुट योर बायस साइड, और उसको डाटा को आप मेंटेन करके और आप उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन दें लोगों को। और आज की डेट में बहुत सारे जैसे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग जो जॉब वाले नहीं है, जॉबलेस हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे जॉब में हैं लेकिन जिनकी छूट गई है, उन सारे लोगों को हम लोग कवर कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। दोस्तों एक्शन स्टेप, बिल्ड योर प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल मतलब आप अपना जो व्हाट्सएप का है उसको एज ए बिजनेस प्रोफाइल की तरह यूज करें, सही है, बिजनेस प्रोफाइल की तरह यूज करें। यूट्यूब वगैरह है, इनमें ज्यादा वैसे घुसने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका अगर यूट्यूब का भी कोई अगर वीडियो है आपने डाल रखा है तो उसमें से भी आपको रिस्पॉन्स आता है तो उसका भी आप एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है, हमारे को एक ही काम करना है कि हमारे को अपना एक बढ़िया सा फॉर्मेट का फोटो सा बनाना है और अपने रिश्तेदार दोस्त जान पहचान वाले सबके पास भेजना है। वो फिर एक ही बात पूछेंगे कि सर आप करते क्या हो या क्या कर रहे हो आजकल, तो जैसे ही वो बताएंगे तो वैसे ही हमने उनके साथ में उनको आगे रेपो बिल्डअप करके उनके साथ में आगे काम करना है। दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो टाइप फॉर्म और एक गूगल फॉर्म, आजकल एक गूगल फॉर्म भी बनता है जो आप अपने बारे में ब्रीफ जानकारी देते हैं, अपना फोटो लगा देते हैं और किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो गूगल फॉर्म भी आप व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी ईमेल के थ्रू आप लोगों को भेज सकते हैं। अगर वो भी भेजते हैं तो लोग रिस्पॉन्स मांगते हैं, बोलते हैं कि सर कैसे करना है बताओ। और दूसरा, मैनेजमेंट ट्रैप में नहीं फंसना, हमारे को मैनेजमेंट ट्रैप में नहीं फंसना है। अप्लाइज टू डीएस हुज टीम साइज इज लेस देन 1000 एक्टिव डीएस, मतलब जिस डायरेक्ट सेलर के एक्टिव लोग 1000 से कम है वो लोग मैनेजमेंट के ट्रैप में ना फंसे। कई सारे लोगों से देखने को मिलता है कि वो सारा दिन बैठ के जूम पे अपनी टीम की मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ टीम की मीटिंग करना अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर आपकी टीम में 1000 एक्टिव लोगों से ज्यादा नहीं है तो आपको उनकी अपनी टीम की मीटिंग के साथ साथ अपनी भी प्रोसेस से टाइम लेके अपनी भी जूम मीटिंग के माध्यम से अपनी भी प्लान करनी चाहिए, अपने भी फॉलोअप करने चाहिए, अपनी भी एफआईएम करनी चाहिए और आपको भी लोगों को कोर बनाना चाहिए। टीम मैनेजमेंट सोशल मीडिया इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टीम मैनेजमेंट इज रिलेशनशिप प्रोसेस, और टीम मैनेजमेंट एक बढ़िया रिलेशन बनाकर रखे टीम के लोगों के साथ में वो बहुत जरूरी है और रखनी चाहिए। और टीम लीडर टेक्स इज टीम विद हिम बाय वर्किंग अलोंगसाइड द नॉट देम लाइक ए बॉस टू डू द टास्क, मतलब कई सारे लोग तो घर पे बैठे बैठे सिर्फ टीम के लोगों को बताते रहते हैं कि आप ये कर लेना, आप ये दिखा लेना, लेकिन हमारे को लीड बाय एग्जांपल करना है। घर पे बैठ के अगर हम 10 प्लान दिखा रहे हैं अगर नए नए प्रोस्पेक्ट को,
और हम फिर टीम को बोलेंगे कि मैंने 10 दिखाए, आप भी दिखा सकते हैं, तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़िया हो जाएगी। और बिकम ए ट्रू फ्रेंड एंड ब्रदर सिस्टर, आप अपनी टीम का एक सच्चा साथी, दोस्त या भाई बहन बनिए। सही है, डोंट आस्क अदर्स टू बी लीडर्स बिफोर यू बिकम ए लीडर योरसेल्फ। और दूसरों को लीडर बनने के बारे में बात मत कीजिए, आप तो लीडर बनकर दिखाइए, आपको अपने आप कॉपी कर लेंगे लोग। आप ऑनलाइन पे काम करके ऑनलाइन पे ज्वाइनिंग निकालना शुरू कीजिए, आपकी टीम के लोग भी आपको देख के निकाल लेंगे। और 3T का हमेशा ध्यान रखें। 3T में क्या आता है? फर्स्ट टेक ट्रेनिंग एक्टिवली, पहला तो हमने एक्टिव तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, और दूसरा देन लर्न टू गिव द ट्रेनिंग एक्टिवली, दूसरा हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, पहला लेनी है फिर ट्रेनिंग देनी है, और लास्ट में टीच अदर्स टू गिव ट्रेनिंग इफेक्टिवली, और हमने फिर अपनी टीम को भी ट्रेनिंग देना सिखाना है। दोस्तों ये 3T को जो ज्यादा यूज करेगा, अभी चाहे कोई सा काल हो, कोरोना काल हो, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, ये सेम वैल्यू रखती है, इसलिए इस 3T की वैल्यू हमेशा रहेगी। लेकिन अभी जो कोरोना काल में या ऑनलाइन में के माध्यम से इसको और अच्छे से किया जा सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से हम हर ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से हम बहुत सारे चीजें सीख सकते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से हम अपनी टीम के लोगों को सिखा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारे को मौका मिल रहा है। हाउ टू इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ योर टीम, अपनी टीम का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें? आप बी ट्रांसपेरेंट, शो द रियलिटी रेदर देन फेक, शोइंग चेक्स। आप अपनी टीम का कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें? अगर आप कोई फ्रेशर है, नए हैं, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो आपका जो भी चेक बन रहा है, आपका 1000 का, 2000 का, 3000 का, आप लोगों को चेक दिखाए, बोला देख भाई मेरा 2000 का चेक आया है, मैंने एक काम किया था, तो आप भी करेंगे तो आपका भी आएगा। रियलाइज हिज विजन एंड शुड नॉट बी जस्ट मनी, और केवल मनी नहीं, आप हो सकता है किसी का और भी बड़ा विजन हो, किसी का करोड़ों की टीम बनाने का विजन हो, किसी का कार लेने का विजन हो, किसी का अपनी बच्चों की एजुकेशन का विजन हो, तो उनके विजन को भी आप रियलाइज करें और उसके बारे में लोगों से बात करें। दोस्तों बिल्ड ऑनलाइन बिजनेस, डू डेली एक्टिविटीज 8 स्टेप, जो भी 8 स्टेप की ट्रेनिंग हमारे को मिलती थी वो हमने अभी एक्टिविटीज को ऑनलाइन पे करना है, और रिकॉर्ड देम, अपलोड ऑनलाइन इन शॉर्ट क्लिप, और बीच बीच में अपनी टीम को भी हम लोगों को सिखाते रहे, बताते रहे, और मैनेज एक्टिविटी येट पीपल अप्रोच, और उनको मैनेज करिए, और अपनी टीम की लिस्ट बनवा के उसके लोगों को अप्रोच करिए, और लोगों को प्लान वगैरह ज्यादा दिखवाइए। बिल्ड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, और आपने अपना मतलब जो पूरा, जब भी आप मीटिंग लेते हैं तो पूरी तैयारी के साथ टाई लगा के और पूरा मतलब जैकेट वगैरह पहन के, तब आप पूरा उसके हिसाब से आपने मीटिंग लीजिए। प्रोवाइड सम वैल्यू ऑब्लिक रिजल्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक बिजनेस, और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से, सेल्स ऑफ के जो बिजनेस से कितने कितने लोग क्या क्या फायदा ले रहे हैं, उन सारी चीजों की छोटी छोटी कुछ डिटेल्स उनको दिलवाइए। अगर आप दिलवाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया आगे बढ़ेगा। हाउ टू हैंडल नेगेटिविटी, ऑनलाइन पे हो चाहे ऑफलाइन पे हो, थोड़ी सी नेगेटिविटी बीच बीच में आती है, तो लोगों को आती है, तो उसको आपने हैंडल करने के लिए आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सही है, आप लोगों को साथ में हमेशा अच्छे से बिहेव कीजिए, और लोगों को 1-to-1 में या थर्ड पार्टी के माध्यम से उनको हैंडल कीजिए, अपलाइन के माध्यम से। डेली रूटीन हमारा बहुत बढ़िया होना चाहिए। अभी ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो कोरोना काल में अभी अपना सवेरे मॉर्निंग में 5:30 बजे से अपना शेड्यूलिंग बनाते हैं, और पूरे पूरे दिन में करीब करीब 15-16 घंटे का प्रोडक्टिव आवर्स अपना तैयार कर देते हैं। सही है, तो आप अपनी तैयार हो जाइए टाइम पे और अपना शुरू कीजिए, और अपनी जहां पे भी आपको पैरी लैग में या पावर लैग में जहां पे भी आपको जरूरत है वहां पे आप मीटिंग लीजिए। टोटल लीड्स कितनी मिल रही है आज डेली, आप कितने सारे लोगों की लिस्ट बन रही है आपकी टीम में, उसको आप देखिए, कितने लोगों को उनको प्लान वगैरह दिखा पा रहे हो देखिए, और कितने लोगों को एंड ऑफ द डे में प्लान हुई है, वो सारी रिपोर्टिंग आप अपने अपलाइन को कीजिए। और कई सारे लोगों को मॉक्स कॉल करके प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में भी हमारे को सिखाने की जरूरत है। व्हाट इफ प्रोस्पेक्ट एल्डर देन मी, अगर आपसे ज्यादा बड़ी उम्र का अगर प्रोस्पेक्ट है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट और प्लान और अपनी इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज रखिए, प्रॉपर कॉन्फिडेंस रखिए, और एटिकेट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप बात कीजिए। और आप पार्ट टाइम हो, पार्ट टाइमर हो चाहे फुल टाइमर हो, आजकल तो सारे लोग घर पे ही है। सही है, तो डोंट लेट इट बिकम सम टाइमर,
मतलब लोगों को सम टाइमर कभी कभी करने वाला उस मेंटेलिटी से निकाल के और आपने लोगों को पार्ट टाइम या फुल टाइमर टाइप से बनाना है और सारे के सारे डिस्ट्रेक्शन से बचना है। लोग कहीं कहीं आप देखो फेसबुक में घुस जाते हैं, वही घंटा वेस्ट हो जाता है, कहीं कहीं मतलब उसमें नेटफ्लिक्स में घुस जाते हैं, कहीं पे कुछ भी उसमें चले जाते हैं, लेकिन हमारे को अपनी लाइफ को ना बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे को व्हाट्सएप उतना ही देखना है जितना बिजनेस के लिए काम आएगा, हमारे को यूट्यूब उतना ही देखना है जितना हमारे बिजनेस के लिए काम आ रहा है, उसके अलावा हमको ज्यादा से ज्यादा प्लान फॉलोअप लिस्ट मेकिंग इस पे ज्यादा फोकस करना है। और फोकस का मतलब ये है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, कि आप इतना भी ऑनलाइन ना रहा करो कि बेरोजगार लोगों, कई ज्यादा कई लोग ऑनलाइन रहते हैं वो बेरोजगार लगते हैं। फोकस ऐसा रखो कि आपको और आपके सपनों के बीच में कोई आ ना सके। तो दोस्तों ज्यादा फोकस रख के हम लोगों ने काम करना है और बड़ा काम करना है। तो अभी अगली 5-7 मिनट में ये सेशन अपन कंप्लीट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया था। तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि अभी हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका या जरिया हमारी कंपनी ने अभी दे दिया है, और वो जरिया दिया है कि हमारे को स्टार परफॉर्मर बनने का मौका है। फ्रेशर को, ब्रॉन्ज को, सिल्वर को, सबको अपने लिए लैपटॉप या एंड्रॉइड का टैबलेट जीतने का मौका मिल गया है। और ये लैपटॉप और टैबलेट जीता जा सकता है ऑनलाइन पे काम करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखा के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअप करके, और घर बैठे कई सारे लोग लैपटॉप जीतेंगे, एंड्रॉइड टैबलेट जीतेंगे और कई सारे लोग लैपटॉप भी जीतेंगे। लेकिन हमने सोचना है कि हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। इसका एक छोटा सा बहुत बढ़िया एक कैलकुलेशन हमारे को मिल रहा है, और ये कैलकुलेशन हम ये देखते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है यहाँ पे कि इसमें अगर हम लेफ्ट में नो और राइट में नो, अगर हम मतलब 500-500 बीवी वाले लोग लेके आते हैं, सही है, 500 बिजनेस वॉल्यूम लेने वाले लेफ्ट में नो राइट में नो आ जाएंगे तो आपका तो ये एंड्रॉइड जो टैबलेट है क्वालिफाई हो जाता है फ्रेशर के लिए, सही है। अगर 200-200 वाले आएंगे तो 23 बंदे लाने हैं, अगर 100-100 वाले आएंगे तो 45 बंदे लाने हैं, सही है। और ये अभी अगले 30 जून तक हम लोग पूरी मेहनत करके इसको अपने टैबलेट को या लैपटॉप को जीत सकते हैं। और 500 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले अगर 11 बंदे आ जाते हैं आपकी टीम में, कितने, केवल 11 भी आ जाते हैं तो आपका टारगेट हो सकता है, फ्रेशर बंदे के लिए बोल रहा हूं मैं। और अगर 200 बीवी वाले आएंगे तो 27 लोग आने से भी आपका टारगेट हो रहा है, और 100 बीवी वाले अगर 53 लोग आएंगे तब आपका टारगेट होने वाला है। तो आपको अपना कितने बीवी के लोगों को ला ला के आप अपना टारगेट कर सकते हैं या करना चाहते हैं या आप कर सकते हैं, और बहुत आसान है। कई सारे लोग अगर मान लो 200-300 बीवी से हमने किसी को ज्वाइन कराया तो बाद में फिर उसको रिपर्चेज करा सकते हैं, या हम 200-200 बीवी का एक संपूर्ण हनुमान दिला दिया, एक भगवत गीता दिला दिया और एक स्मार्ट स्टार पैकेज दिला दिया, या फिर दूसरा पैकेज एक दिला दिया, तो ट्रायंगल आपने दिला दिया तो ट्रायंगल वाले बंदे 9 भी आ गए। अभी तक कंपनी का इतना बढ़िया और इतना कम बिजनेस वॉल्यूम वाला टारगेट अभी तक कभी नहीं आया था। इस बार हमारे को लग रहा है कंपनी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैबलेट जीतें और ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप जीतें, इसलिए हमारी कंपनी लगातार ये मौका हमको दे रही है। दोस्तों ये फ्रेशर के साथ साथ ब्रॉन्ज लेवल के आदमी को भी ये सारा मौका है, ये मौका है ब्रॉन्ज लेवल वाले आदमी को भी मौका है। और यहाँ पे जब वो अपना बिजनेस वॉल्यूम करेगा उतना जितना मतलब टारगेट में लिखा है उतना करने से वो एंड्रॉइड जीतेगा तभी बहुत सारे पैसे भी कमाएगा और एंड्रॉइड का पैसा भी मिलेगा, और लैपटॉप जीतेगा तो पैसे भी कमाएगा और साथ में लैपटॉप का पैसा भी मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारे को डबल मतलब बेनिफिट मिल रहा है, और टारगेट जीतने के हजारों फायदे हैं, और टारगेट के बारे में तो यहां तक बोला जाता है कि सब रोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई। और दोस्तों टारगेट जीत सकते हैं, और जो लोग टारगेट जीतते हैं टारगेट पर ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग तो हमेशा आगे बढ़ते हैं। इस बंदे ने, इसका नाम है श्रीनिवासुलु, इसने ज्वाइन करके काम करना शुरू किया और हर बार टारगेट जीतने का मुहिम बनाई और 21 महीने में बंदा डायमंड बन गया। मैं चाहता हूं ऐसे डायमंड के लिए जो 21 महीने में जिन्होंने टारगेट जीत के डायमंड बनकर दिखाया, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां तो बनती है भाई, बहुत जोरदार तालियां बनती है। दोस्तों 21 महीने में डायमंड बना जा सकता है सिर्फ सोप में, और 50 लाख से ज्यादा की इनकम ली जा सकती है फ्रेशर आदमी अगर टारगेट जीतना सीख ले। और टारगेट जीतने का प्रैक्टिस करने का, टारगेट जीतने की प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया मौका इस बार हमारे को मिला है। दोस्तों गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा,
और मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब आप कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो लोग करते रहेंगे, लेकिन हमने कुछ ऐसा करना है कि बड़ा काम करना है। अगर आप हर महीने 10,000 कमा रहे हैं तो आपके पास 10,000 कमाने जितना नॉलेज है। जब आप नॉलेज बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि आपकी फील्ड में ऐसे भी लोग होंगे जो दिन के लाखों कमाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी लाखों कमाने जितना है। तो दोस्तों इससे हमारे को क्या सिद्ध होता है कि हम टारगेट के लिए फोकस करें और अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहे। तीन तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, जो बातों को दिल पर लेने वाले वो लोग कमजोर होते हैं, हर बात को दिल पे ले लेते हैं, और जो माफ कर देने वाले वो लोग स्ट्रांग होते हैं, और कई सारे लोग स्मार्ट होते हैं जो नजरअंदाज करते हैं। तो आप कौन से हैं? और हमारे को हमेशा स्मार्ट बनना है। और दोस्तों हार के पीछे, मतलब लोगों को लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, आप लोगों ने अब्राहम लिंकन की, ये सारे लोगों ने सुनी होगी कहानी कि अब्राहम लिंकन गरीबी से लेकर व्हाइट हाउस तक का सफर है। 21 वर्ष में वो वार्ड मेंबर चुनाव में हार गए, 22 वर्ष में शादी करने में असफल हो गए, 24 वर्ष में बिजनेस में असफल हो गए, 27 वर्ष में पत्नी को तलाक दे दिया, 32, 37, 42, 47 वर्ष में संसद चुनाव हार गए, लेकिन 52 वर्ष की आयु में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो दोस्तों सफलता आपका इंतजार कर रही है, और हो सकता है भगवान आपको बड़ी सफलता दिलाना चाहता है, इसलिए हम लोग लगे रहे। एक छोटी सी कहानी इस चीज को भी थोड़ा सा हम लोग मैसेज लें कि हिरण की रफ्तार करीबन 90 किलोमीटर पर आवर होती है और शेर की रफ्तार 58 किलोमीटर पर आवर। इसके बावजूद अक्सर हिरण शेर का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिरण को लगता है कि वह शेर से कमजोर है, यही खौफ उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने में मजबूर करता है, और हिरण का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए आप खुद पर यकीन रखिए, पीछे मुड़कर मत देखिए, आप अपने सपने और लक्ष्य को अड़िग रहिए। कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद पर यकीन रखिए, और खुद पे अगर हम रखेंगे तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जरूर अपना टारगेट जीत सकते हैं और अपना ऑनलाइन बिजनेस करना सीख सकते हैं। सफलता के लिए 100 तरह के जुगाड़ नहीं, एक सही सिस्टम की आवश्यकता है, और सिस्टम आपको मिला हुआ है, सक्सेसफुल सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसने हजारों लोगों को डायमंड लेवल तक पहुंचाया है, हजारों लोगों के नहीं लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां लाए हैं, और ऐसा सिस्टम हमारे साथ में है। दोस्तों सक्सेस की इन 6 चीजों की डिमांड करती है हद से ज्यादा मेहनत, और अभी हमारे को कोरोना काल में हद से ज्यादा मेहनत करने का मौका मिल गया है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट भी हो रहा है अभी इधर उधर जाने में, और हमारा अननेसेसरी खर्चा नहीं हो रहा, पेट्रोल का खर्चा, किराया भाड़ा और ये सारी नहीं खर्चा हो रहा है। तो अभी हद से ज्यादा मेहनत और बुरी आदतों का त्याग, देर तक सोने की आदत है उसको त्यागे, शुरुआत में फर्स्ट में जो पहली मीटिंग होती है उसको हम लोग अटेंड करें, संघर्ष करने की हिम्मत। कई सारे लोग मना करेंगे, लेकिन लगातार आप प्लान दिखाएं, दिन में आप कौन मना कर रहा है, 20 प्लान दिखाएं, 50 दिखाएं, 100 दिखाएं, और प्लान दिखा के जैसे और लोग डायमंड बन रहे हैं, आप भी डायमंड बने। अपने काम पे विश्वास रखना। कई सारे लोग छोटी छोटी बातों पर मतलब बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं वो कंपनी वो ज्यादा दे रही है, वो कम दे रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, लेकिन दोस्तों जो ट्रैक रिकॉर्ड, 21 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सेफ शॉप के पास, जो ब्रांडेड और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और जो लगातार पे आउट देने का जो जज्बा है या जो हिम्मत है, वो कहां से कोई भी कंपनी कैसे लेके आएगी। सही है, बाकी डुप्लीकेट ही होता है और ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। धैर्य रखने की काबिलियत होनी चाहिए, पेशेंस हमको रखना चाहिए, और अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। मैं बोलता हूं जिसको जुनून है अपने काम के प्रति, वो बंदा ऑनलाइन बिजनेस करना सीख जाएगा, और ऑनलाइन करने में कोई उसको चैलेंज नहीं आने वाला। सक्सेस अगर होना है तो जूम मीटिंग मिस ना करें, कभी भी अपनी टीम की, अपने अपलाइन की कोई भी जूम मीटिंग मिस नहीं करने। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल हमेशा आपके हाथ में होता है। दोस्तों बीते हुए जो टाइम निकल गया उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी कोरोना काल में जैसे पहले हमने बड़े बड़े चेक बनाए थे, वैसे वैसे हमने अभी काम करके बहुत बड़े बड़े चेक बनाने हैं। और बहुत बढ़िया बात एक लिखी है, ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। अगर हम खुद से लड़े और खुद से के बेस्ट के पीछे भागेंगे तो दोस्तों जीत हमेशा हमारे होने वाली है। और अभी जमाना आ गया है सक्सेस का, जमाना आ गया है और ऑनलाइन का, और जमाना आ गया है ऑनलाइन का, तो हमारे को ऑनलाइन पे ही सारे लोगों को काम करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ऑनलाइन पे काम कर करके हम सारे लोग इतिहास रचेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा अभी समय भी हो गया है, और करीब करीब 40 से 50 मिनट का जो हमारा सेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड गो क्राउन। थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।